तो आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन का जो प्रोग्राम कोड है वो। देखो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन के अंदर भी एमएफए और बीएफए दोनों ही डिग्रियां होती हैं। एमएफए 2 साल का होता है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, और बीएफए हमारी होती है 4 साल की, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। तो आज हम बात करेंगे जो इसका प्रोग्राम कोड है वो क्या है, सीट कितनी रहेंगी एमएफए और बीएफए के अंदर, और साथ ही साथ में इसका फीस क्या रहेगा एनुअली, सेमेस्टर वगैरह के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन का जो एमएफए होता है उसका जो प्रोग्राम कोड है वो क्या है। तो वो है M42। समझिए M42 जो इसका प्रोग्राम कोड होता है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं तो इनको कोड दिया जाता है, क्योंकि कोड से क्या बेनिफिट होता है कि उनको फाइंड करने में इजीली हो जाता है। तो एक तरह का ये आप SKU टाइप का या कोई कोड सिस्टम ऐसा मान लीजिए जिससे इसको फाइंड करने में इजी हो जाता है कि भाई ये कोड किसके लिए यूज़ हो रहा है, किस डिपार्टमेंट के कौन से प्रोग्राम के लिए कोड यूज़ करा गया है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन है उसके अंदर जो MFA है उसका जो कोड होगा वो M42 होगा। अब इसके अंदर जो सेमेस्टर होते हैं वो 4 सेमेस्टर होते हैं, और सीट भी इसके अंदर 8 मिलेंगी आपको, और जो इसकी एनुअल जो फी होगी, एनुअली फी सबमिट होती है, जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो एनुअली फीस सबमिट कराते हैं। जो गवर्नमेंट का तो मैं हिसाब किताब आपको बता रहा हूँ, प्राइवेट में ऐसा है शायद 2 टाइम्स में सबमिट हो जाती है फीस, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर मोस्टली आपकी ईयरली ही फीस सबमिट होती है। तो इसकी जो फीस होगी वो है आपकी 10,550 रुपये डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन की। तो ऐसे ही हम आ जाते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन के अंदर जो BFA है उसका प्रोग्राम कोड है B12, और इसके अंदर जो आपकी सेमेस्टर होंगे वो 8 सेमेस्टर होते हैं, और इसके अंदर आपकी 20 सीट्स होंगी, और जो इसकी एनुअल फी है वो है 12,550 रुपये। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आप जब कभी जैसे अभी आप फिल करोगे ना फॉर्म, तो उसमें आपको ये सब चीज़ों की इशू नहीं होगा, तो इसलिए मेरे को लगा कि ये बातें आपको बता देनी चाहिए मेरे को। तो ऐसे ही आप जुड़े रहना मेरे इस चैनल के साथ।